इन अ 120 मीटर रेस पी बीट्स एस बाई 6 मीटर्स इफ एस स्टार्ट्स विद अ हेड स्टार्ट ऑफ 7.5 मीटर्स एंड इट इज़ अ 100 मीटर रेस देन हु विंस द रेस एंड हाउ मेनी मीटर्स। देखिए इसमें बोला गया है कि अगर 120 मीटर की रेस है तो पी उसको 6 मीटर से जीत जाता है, मतलब पी अगर 120 मीटर जाएगा तो एस कितना जाएगा 114 मीटर। परफेक्ट। अब वो बोल रहे हैं कि अगर रेस अगर 100 मीटर की हो जाए तो कौन जीतेगा, और उन्होंने बोला है कि एस को जो है ना वो 7.5 मीटर का हेड स्टार्ट मिला हुआ है, इसका मतलब एस जो है उसको 7.5 मीटर तो ऑलरेडी आगे से दौड़ना है, तो उसको दौड़ना कितना पड़ेगा 92.5 मीटर ही उसको आगे कवर करना होगा, इतना उसको हमने एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करो 7.5 मीटर आगे से। तो अब देखिए इस केस में क्या है, टाइम तो कांस्टेंट है ना भाई, पी जितने टाइम में 120 मीटर जा रहा है, एस 114 मीटर जा रहा है, तो आपको पता है कि टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है स्पीड के, तो डिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू स्पीड का रेशियो। तो हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि अगर एस 114 मीटर कवर कर रहा है तो पी कितना कर रहा है 120 मीटर, अब अगर एस 92.5 मीटर कवर कर ले तो देखते हैं कि भाई पी कितना कवर कर पाता है, तो 120 अपॉन 114 इंटू 92.5, ये दो से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो यहाँ 60 और यहाँ पे 57 इंटू 92.5। हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास अप्रोक्सीमेट आता है 97.3684 समथिंग, तो हम इसको 97.37 लिख सकते हैं। इसका मतलब पी ने 100 मीटर पूरा कवर किया ही नहीं, जबकि एच तो पूरा कर चुका है, तो 92.5 तो ये 7.5 मीटर का हेड स्टार्ट मिला हुआ था, तो जीत कौन गया, एस जीत गया। कितने मीटर से, 100 में से देखो इसका कितना कम रह गया 2.63 मीटर, तो एस जीत चुका है 2.63 मीटर से।